ये ऑडियंस रिटेंशन वाला जिसको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो भाई जरूर देखना यार, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही खतरनाक चीज है यार। ऑडियंस रिटेंशन जो है, आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में, मान लीजिए कि मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में मान लीजिए मेरा वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा 4 मिनट रहेगा मेरा वीडियो का ड्यूरेशन, ठीक है, तो वो 4 मिनट में अगर कोई मेरा वीडियो को देखता है 1 मिनट, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग का जो ऑडियंस रिटेंशन है YouTube में क्या देखेगा पता है, YouTube में जब आप स्पेसिफिक वीडियो को चेक करने जाएंगे ना, तो वहां पर ऐसा करके दिखाएगा, ऐसा मतलब डाउन दिखाएगा, ठीक है, जब आप होगा तो वहां पर ऐसा करके आप दिखाता है, जब डाउन होता है ऐसा करके डाउन दिखाता है। तो कभी कभी जब आप लोगों का इंक्रीज नहीं होता है तो ऐसा सर्कल करके टिक मार्क भी देता है। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले ऑडियंस रिटेंशन वाला जो चीज है वो आप लोगों को सबसे पहले समझने चाहिए, उसके लिए आप लोगों का जो वीडियो है, वीडियो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए गाइस। तो जब आप लोगों का वीडियो कोई देखेगा, देखने के बाद वो अगर 50% के ज्यादा देखेगा, जैसे कि मेरा अगर वीडियो 4 मिनट का होगा तो कोई अगर मेरा जो वीडियो है, मेरा वीडियो को अगर 3 मिनट तक वॉच करे तो मेरा क्या हो गया, मेरा जो मतलब वॉच टाइम है वो वॉच टाइम मेरा ठीक ठाक मिल गया, लेकिन उसमें मेरा जो ऑडियंस रिटेंशन है उस स्पेसिफिक पर्सन द्वारा जो मेरा वीडियो देखा गया है, वो वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ऑडियंस रिटेंशन मेरा अच्छा है, क्योंकि वो 50% से ऊपर देखा। तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर कोई भी अगर आप लोग का वीडियो देखे तो वो अगर पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको बोलिए कि 50% के ऊपर भाई तू देख ले या देख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बोलता है कि मेरा वीडियो को फुल वॉच कर, तो बहुत सारे का तो इंटरेस्ट नहीं रहता है देखने के लिए और बहुत सारा काम में तो बिजी रहता है, इसलिए तो नहीं देख पाता उतना ज्यादा लेंदी है। मेरा 10 मिनट का वीडियोस है, मेरा 15 मिनट का वीडियोस है, 10 मिनट 15 मिनट का मेरा वीडियोस है, ठीक है, तो मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसमें अगर मेरा ऑडियंस रिटेंशन 50% के डाउन आएगा तो गाइस दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अगर देखिए तो इसमें सबसे बड़ा बात यही है, ऑडियंस रिटेंशन के द्वारा भी आप लोगों का वीडियो वायरल हो सकता है। कैसे, अगर आप लोग जब वीडियो अपलोड करें, अपलोड करने के बाद Within 24 आवर्स में आप लोगों का अगर वीडियो 24 रियल व्यू आ जाता है या 30 रियल व्यू आ जाता है, रियल व्यू का मतलब क्या होता है, रियल व्यू का मतलब होता है फुल वॉच किया जो, ठीक है, वो अगर ऐसा होता है गाइस तब क्या होता है, तब आप लोगों का जो वीडियो है गाइस, तब आप लोगों का जो वीडियो है वो वीडियो वायरल होने का संभावना रहता है गाइस। मतलब जो भी आप लोगों का वीडियो देखे तो उसको बोलिए भाई देख, ये वीडियो को पूरा देखना, अगर देखना है तो ये वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं देखना है तो नहीं देखना, सिंपल बात। तो पूरा देखने से गाइस तब भी आप लोगों का वीडियो वायरल होता है, ये दिमाग में घुसा लेना गाइस। तो बड़ा वीडियो बनाने से क्या होता है, हम लोगों को पता ही है 20 मिनट का मतलब 21 मिनट का ऊपर से हम लोग का जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है गाइस, उसमें 21 मिनट का ऊपर किसी का कंसंट्रेट नहीं जाता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक लास्ट है, 15 टू 16 मिनट इतना ही तक हम लोग को वीडियो बनाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग को ऑडियंस रिटेंशन को इस्तेमाल करना है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एक बड़ा कर, और गाइस आप लोग मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन बटन है और बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाला जितना नया वीडियो है सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूं गाइस आप लोगों के लिए। चलिए आज यही तक।